ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतो मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपद द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमो स्तुते। दीपक जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, यह प्रतीक है इस चीज का कि जब दीपक चलता है तो अंधकार दूर होता है और प्रकाश जो है वहां विराजमान हो जाता है। और आज के इस शुभ दिवस पर, शिक्षक दिवस पर, दीप प्रज्वलन करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। पता है किसी को क्यों कह रही हूं मैं ये? क्योंकि जो शिक्षक होता है वो हमें सही मार्ग दिखाता है। हम सब तो अज्ञानी ही हैं, हम भी कभी आपकी तरह विद्यार्थी रहे थे, हमें भी हमारे शिक्षकों ने ज्ञान दिया और आज हम यहाँ तक पहुंचे। आप में से भी बहुत बच्चे आगे चलकर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा जो है वो प्राप्त करेंगे स्थान। तो जो शिक्षक दिवस पर दीप प्रज्वलन करके हम इस बात का द्योतक कर रहे हैं कि एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाता है, उनके जीवन में जो अज्ञान था उसको हटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। और आज हमारे विद्यालय में कक्षा दसवीं और नवीं के छात्र और छात्राएं जो हैं वो आज शिक्षक और शिक्षिकाएं बनी हैं। और दीप प्रज्वलन के बाद मैं उन सबसे अनुरोध करूंगी कि वे यहाँ पर मंच पर आएंगे और अपने आप को सबके सामने प्रस्तुत करेंगे कि आज आप क्या बने। और आप सबको पहचानना है, वो आपको स्पष्ट तौर पर नहीं बताने वाले, ये छोटे बच्चे, बात नहीं बिल्कुल भी। आपको कार्यक्रम देखना है या आपको वापस भेज दिया जाए कक्षा में, बताइए? देखना है ना? शांति पूर्वक बैठे पहले, बिल्कुल आवाज नहीं। जो छात्र शिक्षक या शिक्षिकाएं आपके सामने उपस्थित है प्रांगण में, ये यहाँ आकर अपने विचार व्यक्त करेंगे और अपने विचारों में जो शिक्षक या शिक्षिकाएं ये बने हैं आज, उनके व्यक्तित्व की झलक प्रस्तुत करेंगे किसी शब्द के माध्यम से या वाक्य के माध्यम से। आप सबको पहचानना है कि वो किस अध्यापक या अध्यापिका की ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक है? तैयार है आप सब इस चीज के लिए? ओके, अभी देखते हैं कितना आप पहचान पाए। सभी अध्यापकों से मेरा अनुरोध है कि आप सब नीचे चले जाएं और जब आपकी पहचान हो जाएगी छात्रों के द्वारा तभी आप मंच पर आएंगे। सभी अध्यापकों से मेरा अनुरोध है कि कृपया नीचे चले जाएं। अब छात्र शिक्षक और शिक्षिकाएं मंच पर आने वाले हैं। आप सभी ऊपर आ सकते हैं और मैं भी अब नीचे जा रही हूँ मंच आपको सौंपकर। Thank you.